करके भी लोगों का आरोप है, कहना है कि 48 लाख रुपया नहीं लगा, इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, एक माना स्थिति लोगों की हो गई है, कोई कार्य को देखना नहीं, सीधे बोलना भ्रष्टाचार। लोग काम में आजकल रुचि कम लोग लेते हैं, ये लेते हैं सिर्फ एक कहने में कि भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई काम देखिए, रहा बात कुछ भ्रष्टाचार का। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी विधायक अनिल शर्मा जी। अनिल जी, आज टिकारी राज्य स्कूल का खेल का परिसर जो है उसका उद्घाटन है और आज TPL मैच का फाइनल भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकारी में आज आने का मौका मिला है इस प्रांगण में, तो जीर्णोद्धार होना था, जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया। आपको पता है कि 2006 में स्टेडियम कोच टिकारी हमने दिया था, तो 2006 में बनने के बाद थोड़ा सा टूट फूट गया था, तो 2020 की जो पहली सरकार बनी तो उसे पूरे बिहार में जीर्णोद्धार के लिए आवंटन मात्र हुआ कोच टिकारी का, तो कोच में 1,06,00,000 रुपया आवंटित हुआ, जो कार्य तेजी से लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड जो है वो गिर गया था। और ये जो है यहाँ भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, जितना बढ़िया जो बैठे हुए हैं आप, जो इसमें जो डेंटिंग पेंटिंग हुआ, जो सामान लगा, जो कार्य हुआ, तो आज इतनी बड़ी संख्या देख करके जो नौजवान लोग सब हैं, सब 15 बरस से 25 बरस के बीच का लड़का है, और इसमें खेलने का जो आनंद ले रहे हैं, आज यहाँ छावनी पर आज जलालपुर के बीच हो रहा है, ये आनंद देख करके मुझे काफी खुशी और प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो इसका स्टेडियम का भी उद्घाटन होगा। टिकारी में विकास के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, फिर हम यहाँ पर लगातार, आज यहाँ पर मध्य विद्यालय सामने में है उसका भी देख रहे हैं, सामने जो बाउंड्री बना है उसका भी उद्घाटन होना था, आज नहीं होगा, उसका दूसरे दिन होगा। इस तरह से टिकारी में चारों ओर विकास का आपको लग रहा होगा कि विकास और चारों ओर आपका विकास का गति बढ़ा है। कहा था कि टिकारी राज इंटर स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उसमें 48 लाख रुपए जो लगा है पूरे सौंदर्यकरण के लिए लगा है, पूरे फिर से निर्माण करने के लिए लगा है, अभी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसे लाइट वगैरह हो गया, अभी सिर्फ एक ही टावर लाइट लगा है, क्या और आने वाले समय में टिकारी राज स्कूल का एकमात्र जो प्ले ग्राउंड है इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं? जो जो आवश्यकता होगी उसको विकसित करेंगे, विद्यालय से लगाना होगा, विद्यालय से हम लाइट लगवाएंगे, 2 बड़ा लाइट अभी बोल चुके हैं क्यों नहीं लगाया, उसको देख लेते हैं, उसको मीटिंग बुला के हम उसको सैंक्शन करेंगे, 2 बड़ा लाइट लगेगा, जिस तरह से एक लाइट लगा है। देखिए, और भी कुछ देने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपने फंड से भी दूंगा, क्योंकि फंड लिमिट रहता है, 43 पंचायत है, 700 गाँव है, 8 लाख रुपया एक पंचायत पर आता है, एक पंचायत में 14 गाँव रहता है, 15 गाँव रहता है, तो पैसा नहीं पुर पाता है। कल भी हम कई जगह गए थे अपना फंड से जाके, वहाँ ढिवरिया में, वहाँ अलालपुर में आपका अफसान घाट का उद्घाटन करना था, तो काम तो हम लगातार कर रहे हैं कि हम विद्यालय में जैसे भी फंड की व्यवस्था हो वो फंड से हम लोग कर रहे हैं। आगे वहाँ पर जो टिकाई राज बसा हुआ है वो राजा गोपाल शरण सिंह के नाम पर है, उसका आगे से जाकर के आदमकद प्रतिमा लगेगा अपने स्कूल में, जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ फरवरी के अंतिम सप्ताह तक वहाँ आदमकद प्रतिमा वहाँ राजा गोपाल शरण सिंह के लग जाएगा। और इसका जो मैं अपने ही समय में यहाँ दिया था, ये आपका पार्क 50 लाख रुपया 2007 में हमने दिया था, और वो पार्क खराब स्थिति में, जब हम चुनाव हार गए थे तो खराब स्थिति में था, लेकिन हम चुनाव जीते, तुरंत इसमें 200 लाइट लगवाए, सारा काम हुआ। और भी सागर जी हैं यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, इनको बोले हैं कि और हमारे फंड्स की भी कुछ आवश्यकता अगर है पार्क में तो उसको देखकर हम और सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। फील्ड को लेकर के भी लोगों का आरोप है, कहना है कि 48 लाख रुपया नहीं लगा, इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, एक माना स्थिति लोगों की हो गई है, कोई कार्य को देखना नहीं, सीधे बोलना भ्रष्टाचार। ये आपका लॉटरी के आधार पर 19% कम में संवेदक ने काम लिया है, मैं संवेदक को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, 19% कम में भी बिल्डिंग जैसा काम, मट्टी वर्क नहीं है, बिल्डिंग का काम है, और उसके बाद भी पारदर्शी तरीका से उसने काम किया, इसलिए उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। 19% कम लॉटरी के द्वारा लिया और टेंडर हुआ, अब इसमें कोई भ्रष्टाचार बोल दे तो उसमें तो
लोगों का एक काम का तरीका नहीं है, लोग काम में आजकल रुचि कम लोग लेते हैं, ये लेते हैं सिर्फ एक कहने में कि भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई काम देखिए, रहा बात कुछ भ्रष्टाचार का तो कुछ होती इसमें तो नहीं हो सकता, यह तो साफ है, ये तो बिल्कुल पारदर्शी है। 19% कम में संवेदक ने जितना चीज दिया था बनाने के लिए वह सब एस्टिमेट के अनुसार बना दिया, इसलिए इसमें क्या भ्रष्टाचार है। आपने कई गांव को पुल से जोड़ा है, अभी फेनागी से लेकर के मल्या का सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, काफी लोग परेशान भी। नहीं नहीं आप पता लगाइए, काम तेजी से लगा हुआ है। जब मैं नूनी में गया था, नूनी नहीं फेनागी और मल्या, आज के 2 महीना पहले जब मैं नूनी गया था तो इस रोड का जो हालत देखे तो तुरंत मैं प्रधान सचिव, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर चीफ सब लोगों से बात किया, और आज आप पता कीजिए कि तेजी से काम लगा हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की जाए तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जो है सड़क जो है वो अभी भी काफी खराब है, जर्जर हालत में है, आप देख लीजिए। लोग मांग कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की, सब गए हैं। आप दिमसर पुल से लेके मखदुमपुर गांव के पास जो रोड जा रहा है पॉलिटेक्निक के लिए, वह रोड बन गया आपका, वह जाकर देख लीजिए, वह रोड बन गया, हाँ रोड बन गया। अभी आने वाले समय में और क्या सोचे अधिकारी? देखिए एक तो बड़ा काम जो हम बोलते थे कि हम उस काम में लगे हुए हैं, कहियापुर से सुपटा बाईपास, वह काम में कैबिनेट से हो गया। अब मैं समझता हूँ कि 1-2 महीना में टेंडर हो जाएगा और 1-1.5 साल में वह बाईपास बनकर तैयार होगा। तो हमारे मन में जो बहुत काम है, जैसे तो हम कई बार बताएं कि 9 पंचायत मेरे जिम्मे आया 2010 में, तो आपको याद होगा कि यहाँ से लेके पचदेवता गुलजाना मुंह बाय खड़ा था, 2 को पाया लगा के लोग छोड़ दिया, उसको हमने एक ही टाइम विधायक उधर से हुए थे, लेकिन हमने पचदेवता पुल, गुलजाना पुल, नया भवनपुर पुल उसको देने का काम किया। अभी हम 750 बेड का आपका अम्बेडकर भवन दिए हैं, विद्यालय जो महमन्ना पंचायत अंतर्गत बाजिदपुर में बनेगा, वह करीब 46 करोड़ के लागत से वह बनने जा रहा है। तो इसका काम हम नहीं समझते हैं कि कोई काम तो ऐसे कभी पूरा नहीं होगा। देखिए विकास के लिए बिहार में अगर सबसे ज्यादा या किसी से कम नहीं तो टिकारी भी है, यह काम मैं किया हूँ। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टिकारी विधायक अनिल शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लगातार मैं काम कर रहा हूँ। टिकारी राज स्कूल का फील्ड की बात है तो अभी और 2 लाइट जो है लगाए जाएंगे ताकि और टिकारी के इस फील्ड में खेलने योग्य हो सके। साथ ही साथ फेनागी से लेकर के मल्या के सड़क को लेकर के बोला कि उस जगह पे काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जो सड़क की स्थिति खराबी है वो भी सड़क जो है निर्माण हो रहे हैं और लगातार मैं विकास का काम जो है कर रहा हूँ। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।